हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप इस वीडियो गल करांगे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दी न्यू रिक्रूटमेंट दे बारे। सो इस डिपार्टमेंट दे विच तुसी देख सकते हो इत्थे मेंशन किया होया वा दिल्ली पुलिस दे विच मेल एंड फीमेल कैंडीडेट वास्ते कॉन्सटेबल दी भर्तियां निकलियां। जे तुसी दिल्ली पुलिस दे विच भर्ती होना चाहते हो तुसी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जे तुसी इहदा डिटेल नोटिफिकेशन चैकआउट करना वा तो इहदी ऑफिशियल साइट ते आ जाणा वा। इहदे उपर फ्रंट ते देखो इत्थे मेंशन किया होया नोटिस, इह तुसी डाउनलोड कर लेना वा। इहदी PDF डाउनलोड करन तो बाद तुसी इत्थों इहनूं रीड आउट कर सकते हो, तो जां तुसी गूगल ते सर्च भी कर सकते हो। jobrasta.com इस साइट ते आ जाणा वा। इस पोस्ट दे रिगार्डिंग सारी इनफॉर्मेशन तुहानूं इत्थों मिल जूगी। तो जिदा कि सबसे पहले आप शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, 1-2 मिनट लावेंगे। उस तो बाद दसांगे तुहानू फॉर्म किदा फिलअप करने हैं। तो जे तुसी डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने हैं, एलीजिबिलिटी नहीं चैक करनी हैगी, मैं तो यही कहूँगा भी तुसी एक बार पहले अपनी एलीजिबिलिटी चैक कर लो। जे तुहाडी एलीजिबिलिटी बनती है, ठीक है, फिर ही तुसी ये पोस्ट अपलाई करो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा तुहाडा। तो जे आपां गल करते हैं टोटल वैकेंसीज की, 7547 टोटल पोस्टा वा। तो जी सैलरी तुहाडी 5500 तो स्टार्टिंग होगी, तो 20200 तक ही जाऊगी। दिल्ली लोकेशन तुहाडी होगी जॉब लोकेशन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लियो। दिल्ली तुहानू अपनी यह जॉब मिलनी है। तो जे आप स्टार्टिंग डेट की गल करते हैं, 1 सितंबर को पोस्टा ही स्टार्ट हो गई वा, तो 30 सितंबर तक तुम ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एग्जाम डेट की जो गल करिए, 14 तो लैके 30 नवंबर के तुहाडा एग्जाम होगा, एंड 1 दसंबर तो लैके 5 दसंबर के भी होगा। तो एज लिमिट की जो आप गल करिए, मिनीम एज वास्ते 18 ईयरस चाहिए है, तो मैक्सीम एज तुहाडी 25 ईयरस होनी चाहिए आ। बाकी एज रिलैक्सेशन तुहानू अलग तो मिल जाता वा। SC कैटेगरी वास्ते 5 साल हुंदा वा, तो OBC वास्ते 3 साल हुंदा वा। जे एप्लीकेशन फीस की गल करिए, इहदे च आपां जनरल OBC एंड EWS वास्ते 100 रुपीज़ तुसीं पे करने आ। तो SC ST PWD वास्ते कोई भी फीस नहीं हैगी। तो फीमेल कैंडीडेट ऑल कैटेगरीज़ वास्ते कोई भी फीस नहीं हैगी। तुसी यह पोस्टा ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो। जे पोस्टा की गल करिए, इतने मैनशन की हुई वा कि पोस्टा कि कैटेगरी वास्ते इतने मैनशन की, तो एक बार चैकआउट जरूर कर लियो। तो उस तो बाद आप करते हैं एलीजिबिलिटी की गल। तुहाडे कोल इहदे विच प्लस टू क्लास कंप्लीट होनी चाहिए है। सो मेल कैंडीडेट वास्ते जिहड़ा कि ड्राइविंग लाइसेंस जे किसी कोल हैगा वैल एंड गुड, नहीं कोई चक्कर नहीं हैगा, पोस्टा अपलाई कर सकता वा। अगे सारा कुछ इतने सिलेक्शन प्रोसैस तुहानूं दस्सिया होया वा, चैकआउट कर सकते हो। बाकी सिलेबस हो गया तो इसनों भी एक बार चैकआउट कर लियो। तो अगे आप गल करते हैं तुम यह फॉर्म किदा फिलअप करने अपने मोबाइल तो, बिल्कुल नीचे आ जाना वा। तो अपलाई लिंक तुम्हें इतने मिल जूगा, ऑफिशियल साइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, उतों जाके चैकआउट कर सकते हो। तो सारों पहले तुम ये ऑफिशियल साइट पर आ जाना वा। सो ऑफिशियल साइट पर आने तो सारों पहले तो ये रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। जे तुम पहले अपना अकाउंट ये बनाया हुआ वा, तुम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन किदा करनी है, ये वास्ते एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तुम वो चैकआउट कर सकते हो। 4-5 मिनट लगनगे तकरीबन, ठीक है। उन्होंने जो आप ये बनाने लग गए तो वीडियो काफ़ी वीड्डी बन जानी, इस करके वह जो लिंक आ तुम गला रजिस्टर का तुम अलग मैं वीडियो अपलोड की हुई है, वह जो लिंक आ तुम डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, उतों जाके चैकआउट कर सकते हो। तो वैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग तो थोड़ा जहा दस ही देना तुम्हें किदा रजिस्टर करना। सारे पहला तुम ये नीचे आ जाना, न्यू यूजर पर क्लिक कर लेना वा। तो उस तो बाद आधार कार्ड से यस कर लेना, तो आधार कार्ड नंबर मैनशन करना वा, वेरीफाई करना आधार कार्ड नंबर इतने। उस तो बाद इतने अपना नाम फिल कर लेना वा, नाम वेरीफाई कर देना, मतलब कि सारा डाटा के दो बारी फिल करना वा। तो उस तो बाद इतने अपना फादर नेम हो गया नीचे, फिर फादर नेम मैनशन करना वा, मदर नेम दोबारा, फिर मदर नेम रिपीट करना वा, एंड डेट ऑफ बर्थ ये तुम्हें मैनशन कर देनी। उस तो बाद वेरीफाई करनी अपनी डेट ऑफ बर्थ। आफ्टर दैट तुम्हें ये एजुकेशन बोर्ड के बोर्ड तो 10th क्लास पास आउट की है, ये अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना वा। उस तो बाद अपना इतने रोल नंबर 10वीं का फिल करोगे, उस तो बाद रोल नंबर वेरीफाई कर लेना वा, तो कि साल अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है तुम सिलेक्ट कर लेना वा, वेरीफाई करोगे ईयर नू। तो अपना जेंडर सिलेक्ट करने तो बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जोड़ा लेवल हैगा वा, ठीक है, तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस तो बाद अपना इतने मोबाइल नंबर फिल कर लेना वा, वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लोगे। तो उस तो बाद इसी अपनी मेल ID फिल करनी है, वेरीफाई करना मेल ID। तो उस तो बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करने तो बाद अगे आप इतों सेव कर लेंगे। तो सेव करने तो बाद एक तुहाडे मोबाइल ती OTP आता, ठीक है, उन्हें वेरीफाई करने तो बाद एक एड्रैस का ऑप्शन आता, तुम वो भी फिल कर लियो। तो उस तो बाद अपने को एक वेरीफाई OTP द्वारा आऊगा, तो OTP वेरीफाई होने तो बाद जो कि अकाउंट ये एक्टिवेट होगा। जे ना पता लगे तो एक बार जी मैं तुम्हें वीडियो दसिया वा, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, उतों जाके चैकआउट कर लियो, तो रजिस्टर कर लियो। सो जिन्होंने रजिस्टर्ड किया होया वा, सारों पहले तो ऑफिशियल साइट से दोबारा आप होम पेज पर आ जाने हैं।
जिदा कि आप होम पेज पर आ गया तो उन्होंने को यूज़र नेम जिदा कि यूज़र नेम है नहीं गा तो पासवर्ड भी है नहीं गा। सो उन्होंने फॉरगेट कि करना वा, इतने फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन हैगी अपने को। सारों पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, इतने ईमेल आई डी जां तुसीं अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। तो ये अगे तुम जिदा मोबाइल नंबर फिल करोगे, मोबाइल नंबर फिल कर तो सबमिट कर देना वा, तो मोबाइल से एक ओ टी पी आऊगा। ओ टी पी वेरीफाई करे को रजिस्ट्रेशन नंबर तो पासवर्ड मिल जाता वा, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप इतने लॉगिन एक बार कर लें, क्योंकि मेरे को आई डी भी हैगी है, पासवर्ड भी है वा। तो एक बार तुम मैं लॉगिन करके दिखा दिना वा। सो लॉगिन करन तो बाद तुहाडे कोल इस तरह का पेज शो हो जाना वा। इत्थे तुसी देख सकते हो कॉन्सटेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामीनेशन 2023 तुसी देख सकते हो। तो उस तो बाद आप इतने अपलाई पर क्लिक करना, अपलाई पर क्लिक करके तुसी ये पोस्टां अपलाई कर सकते हो। जे तुसी फॉर्म का प्रिंट लेना तो असी इतने प्रिंटर दी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना वा। तो जे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चैक करना वा, जिदा पेमेंट स्टेटस चैक करना, तो असी इतों चैकआउट कर सकते हो। तो तुसी इतों नोटिफिकेशन भी इधर डाउनलोड कर सकते हो। आपां करांगे अप्लाई ते क्लिक, तो उस तो बाद अपने को फॉर्म आ जाता जिहड़ा तुसीं फिल करना वा। जिदा कि कुछ इनफॉर्मेशन तुहाडी पहले ही फिल की हुई, जो तुसीं रजिस्ट्रेशन करते हो तो उदों ही फिल हुंदी है, ठीक है। तो उस तो बाद आपां इत्थे नीचे आ जांगे, जिहड़ी आपां एप्लीकेशन जिदा कि इहदे च वैदर डिपार्टमेंटल कैंडीडेट ऑफ दिल्ली पुलिस ते आपां नो कर दांगे। तो नीचे तुसीं वैदर सन डाटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीटड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, जे तुहाडे पेरेंट्स जिदा कि दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ के विच हैगे आ, दिल्ली पुलिस पहला जॉब कर रहे, तुसीं इत्थे यस कर सकते हो। तो नहीं तुसीं डायरेक्टली इहनूं नो कर देना वा। तो इहदे च वी तुसीं इहनूं नो कर देना वा। तो जे तुसीं रीप्रजेंट किया वा स्टेट लैवल पर कोई गेम वगैरह खेडी, तुसीं इहदे चों यस कर देना वा। तो फिर उस तो बाद अपनी जिहड़ी तुहाडी गेम सीगी इहदे चों सिलैक्ट कर सकते हो। तो नहीं तुसीं डायरेक्टली इहनूं नो कर दिओ। तो नो करन तो बाद तुहाडे कोल इत्थे ऑप्शन आ जाती है प्रैफरेंस ऑफ एग्जामीनेशन सेंटर। सारों पहले आपां सेंटर सिलैक्ट कर लेना जिथे तुसीं एग्जाम देना चाहते हो। सो एग्जाम सेंटर क्लिक करन तो बाद अपने कोल तीन प्रैफरेंस तुसीं इत्थे देनियां वा, सैकेंड चूज़ कर लेंगे। सैकेंड चूज़ करन तो बाद इत्थे तुसीं अपनी जिहड़ी थर्ड ऑप्शन आ रही है चूज़ कर लेनी आ। तो वैदर एक्स सर्विसमैन, जे तुसीं एक्स सर्विसमैन हैगे हो इत्थे यस कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली नो कर दिओ। तो जे तुसीं इहनूं यस करते हो तो फिर तुहानूं इत्थे ज्वाइनिंग डेट अपनी मैनशन करनी पैंदी आ, डिस्चार्ज फ्रॉम तुहानूं अपनी डिस्चार्ज जिहड़ी डेट आ वी इत्थे मैनशन करनी पैंदी है, सारा कुछ मैनशन करना पैंदा वा। इहनूं तुसीं डायरेक्टली नो कर देना जे तुसीं सर्विस नहीं कीती हैगी। नीचे आओगे तो इत्थे अपने कोल ऑप्शन आ रही है वैदर सीकिंग एज, जे तुहानूं एज रिलैक्सेशन चाहिए अलग तो तुसीं इहनूं यस कर सकते हो। तो यस करके अपना इहदे चों सिलैक्ट एज रिलैक्सेशन कोड तुसीं सिलैक्ट कर सकते हो। साइड थोड़ी जी बिजी इस करके थोड़ा जहा प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू है, ठीक है। बैक तो ही तो जे तुसी अपनी एज रिलैक्सेशन नहीं लैनी तुसी डायरेक्टली नो कर सकते हो। तो नीचे आवांगे आर यू ई नैशनल कैडिट कॉप्स, जे तुसी साडे कोल सर्टिफिकेट हैगा एनसीसी सर्टिफिकेट जे तुहाडे कोल हैगा वा, तुसी इथों यस कर सकते हो, तो जां तुसी इहनूं डायरेक्टली नो कर दिओ। सो नो करन तो बाद डू यू पोस्ट द डिग्री पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा अवार्डड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनीवर्सिटी, जे तुहाडे कोले इस यूनीवर्सिटी का डिग्री वगैरह तुसीं कीती हुई है यस कर सकते हो, तुसीं नहीं इहनूं डायरैक्टली नो कर दिओ। नीचे आवांगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तुहाडी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कीड़ी इहदे चों तुसीं चैकआउट कर सकते हो। उस तो बाद आपां नीचे आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ क्वालीफाइंग एजुकेशनल, जिहड़ी तुहाडी इहनां ने प्लस टू क्लास मंगी हुई है, ठीक है, इस एग्जाम दे लई। सो आपां प्लस टू क्लास सिलैक्ट करके किहड़े बोर्ड तों तुसीं पास कीती अपनी प्लस टू क्लास, इतने तुसीं अपना बोर्ड सिलैक्ट कर लेना वा। तो उस तो बाद आपां इत्थे नीचे आ जाएंगे, अपना रोल नंबर मैनशन करना वा, सबजैक्ट तुसीं इहदे च मैनशन कर सकते हो। तो उस तो बाद तुसीं किहड़े साल च पास आउट की इहदे च अपना ईयर सिलैक्ट कर लेना, परसेंटेज तुसीं इहदे च फिल कर लेनी है। उस तो बाद अपना इत्थे नीचे एड्रैस मैनशन किया होया वा, पहले ही मैनशन किया, तुसीं इहनूं कुछ भी नहीं छेड़ सकते। तो नीचे आवांगे इत्थे तुसीं अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी आ। तो जिहड़ा फोटो का साइज़ आ तुहाडा वह 20 KB से लैके 50 KB के होना चाहिए वा। तो जिहड़ा उहदा फॉरमेट है JPG फॉरमेट हो, जिहड़ा कि साइन आ उहदा जिहड़ा साइज़ हैगा वा 10 KB तो लैके 20 KB के साइज़ होना चाहिए वा। तो जिहड़ा उहदा फॉरमेट आ वह भी JPG होना चाहिए वा।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਗਰੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੈਪਚਾ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਡਿਟ ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ SC ST ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਜੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ OBC ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UPI 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ UPI ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੈਪਚਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਵਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਫ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼।